छोटी ईद के मौका पर हम आपको देने जा रहे हैं बड़ा सरप्राइज। हमने एक ऐसी जोड़ी को बुलाया है आज जो पूरी दुनिया में ऐसे घूम रही है जैसे लोग गुजरांवाला में दही की तलाश में घूमते हैं। आज वो जोड़ी यहां पर आएगी और आपकी ईद को मजीद पुर रौनक बना देगी। सो तशरीफ लाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पर्सनल फेवरेट सलीम अलबेला साहब और गोगा पसूरी साहब, एवरीवन। जी थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। जी बहुत अच्छा जी, बस सबको ईद मुबारक। जो भी मुबारक हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, तो उनको सबको ईद मुबारक, सदा खुश रहें, आमीन। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस अजीम जोड़ी की ईद वसूलियों में गुजर रही है या अदायगियों में? निजारी बात है, ईद जड़ी या वसूली दी भी है, दही दी भी है, अजय ले रहे हैं तू वो देने वाली ईद आई नहीं अजय नहीं चलो हम थोड़े मैच्योर हो गए हैं, लेकिन जब छोटे थे तो पापा से ईद लेना बड़ा अच्छा लगता था। पापा से? पापा ही कहते थे पापा, सच बताना पापा ही कहते थे। अजय तिकर तुसी रस कहंदे पापा नु पापा कहंदे गोगे ध्यान नाल पापा कह, मेट्रो तो उतरो ना सब तो पहलो तेरे वर्गा चिंची वाला हुंदा टांकशिप वाले अकील तू भी अज जुती ना पापा 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 वाली पाई सलीम साहब तुसी भी चिट्टा पजामा पीला कुर्ता शो करन आए या तेल मेहंदी ते घोड़ी ने चाहन आए घोड़ी दा मालक किड्डा खुश हो रहा उतो नाल मेहमान केड़ा लै गया तौबा मेरी गोगा ते वेखो अन्नी गली दा कौंसलर हुंदा यार ईद वाले दिन अज ते नाता अज ते ना मैं पापा की बात बता रहा था कुछ जब ईद वो बैठ के बताएंगे ना आराम से सारा शो खड़े होके तो नहीं ना करना हमने। बहरहाल गोगा जी ईद है जरा इंजॉय करना चाहिए। ईद दी खुशियां तो असीं भी मना रहे हैं, लेकिन इन्हां दोवां दे घर च कोई खास ही खुशी हुई है ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨੇਦਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨਾਊਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੌਰੀ ਫਰੂਕ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਦੇ ਗੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਵੇਖਤ ਸੀ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਗੋਗਾ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸਿਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਏ ਜਾਨੀ ਮੋਹਸਿਨ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਪੜ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਔਰ ਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ये दोनों आपको इसलिए बढ़ बढ़ के झुकते कर रहे हैं क्योंकि आपने इस बार ज़कात और फितराना किसी और को दे दिया। अच्छा ज़्यादती हो मोहसिन भाई, चौधरी ना भी तो अकील है ना, अकील ना देते इन्नी गुरबत है। तोबा तोबा, एक आंडा ले आए घर पैसे पा के ते के उदे दुखों उदे नाल कैच कैच खेल दे भाई वैसे तो पूरे मोहल्ले की मुखालफत के बावजूद आप ईदगाह जरूर गए होंगे। मुखालफत ऐसी केड़ी गल होती है? नहीं ईदगाह चला सी लोगों ने कहा भी इत्थे खलो नमाज पढ़ के सारे बाहर ही आना ये देखिए ये तो सब आपसे मजाक कर रहे हैं, मैं आपसे सीरियस सवाल करना चाहता हूँ, आपकी ईद के दिन क्या एक्टिविटीज होती है? ये बांह इंज करके ना तो खलोता रहना सामने जो ईद है हाथ ही होती है। अली भाई आर्टिस्ट और लड़कियां बिलखसूस ईद की शॉपिंग 10 दिन पहले शुरू करते हैं लेकिन ईद का दिन सोकर गुजार देते हैं, आप भी उसी कैटेगरी में तो नहीं आते ना? नहीं नहीं, हम सुबह उठते हैं, ईद पढ़ते हैं, नमाज वगैरह और उसके बाद वाकई सो जाते हैं। सलीम भाई आपको इस ईद पर स्पेशल मुबारकबाद है क्योंकि इस ईद पर आप अपनी फिल्म में एज हीरो लॉन्च होने जा रहे हैं। तालियां बजाओ जरा, कैसा महसूस कर रहे हैं हीरो बनने के बाद पहली ईद देख रहे हैं आप? बस मैं हीरो बनने तो बाद पहली ईद देख रहे हैं, अगली घरे देखनी है। सारियां देखो सलीम भाई, जरा अपनी आने वाली फिल्म के ट्रेलर को बयान कीजिए, सुनाइए हमें, ये बताइए फिल्म का नाम क्या है, हीरोइन कौन है, कितना हक महर लिखा है, मिलनी दे खेस मिले कि नहीं मिले, जादी नु गोश छोटा खवाया कि बड़ा खवाया, दसो। ए गल्लां ते कुड़ी दा प्यो करदा हुंदा। असल में फिल्म का नाम डॉलर्स है, तो अमेरिका में सारी शूट हुई है, तो उसमें जो पैसे लगा रहा वो हीरो था और मैं था। ललिता इंडियन एक एक्टर बड़ी अच्छी है, वो थी
सपना जवाद वसीम साहब और मैं पाकिस्तान से थे, तो बाकी फिल्म अच्छी है, कॉमेडी फिल्म है। उस्ताद जी हमारे प्रोग्राम पब्लिक डिमांड की एक रीत है कि हम गाए बिना बैठते नहीं। हाँ बिल्कुल, तो जब आप तशरीफ लाए हैं तो गाना आप गाइए, तालियां गोगा जी पीटते हैं ते वेला चौधरी लुटेगा। ये तो घाटे का ही फंक्शन फाड़ लिया। जैसे ईद है तो ईद के मौके पे थोड़ा सा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस में दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले। थैंक यू बेचारी मोहसिन। अज अगर चौधरी श्रीमद बेला अंतरा भी सुना ना ते मैं दरहमो दिना डॉलर यूरो पाउंड सब कुछ लुटा दे। वो जा बंदा पूरी गजल सुन के कहंदा जा मैं असल च चला सा तरीक दे ते पैसे गारी पए। अच्छा लेजेंड कुमार वाले ते वेखो लगदा गोगे दा रिश्ता लै गया है। या एक सेकंड दा रहा है इकट्ठे करे अमाना इन्हां दी जोड़ी उत्तों बन के आई है, बाट वाले नहीं कहंदे नौ नंबर सुट होए। लो जी इन्हां दोवां नूं वेख के ओह मिसाल याद आ गई, तुसीं वी सुणी कौन सी बे 100 साल बाद ते रूड़ी दी भी सुनी जाती। ते अज ते दो रूड़ियां दी सुनी गई। उस्ताद जी इससे पहले के लोगों को लगे कि हम सब आपसे ईदी लेने खड़े हैं यहाँ पर, आइए तशरीफ रखें। अनिल भाई फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क में हुई, वॉशिंगटन में हुई, वर्जीनिया में हुई, गुनाहों के शहर लॉस वेगास में भी हुई, सर ये बताएं कितने गुनाह करके हैं? नहीं गुनाहों की बस्ती नहीं है, वैसे तो उन्होंने तो जन्नत बनाई हुई है उन्होंने, क्योंकि सब लोग ही बड़े प्यार करते हैं वहाँ पे, एक दूसरे के साथ इखलाक से मोहब्बत से पेश आते हैं, मतलब डिसिप्लिन है इंसानियत का वहाँ पे मैंने देखा। आप बताए ना, अगर आप ही तो बाहर गए थे घूमने फिरने, गोरियाँ देख के पागल हो गए सी या उन्होंने पागल कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ खास नहीं, मेरा पागल होना तो जहाज तो ही शुरू हो गया सी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही जहाज़ नू देखिया ते एयरपोर्ट, लेकिन सिडनी मैनू बहुत अच्छा लग्या ना, ये उत्ते चढ़ के ना जहाज से तो जा रहा, तो मैं यही पूछी जा रहा कि जहाज का सलंसर कितने होंगे भी तू भाफ लैनी है यार चुप करके, और ट्राली नहीं आती खाने वाली जिद करके कहना मैं इतने झूठे लैने, मैं मरे अंदर खाण पीण वाली चीज़ा और मिठाई लैके जहाज चढ़ गया, कहना मैं पायलट का शिगिरद होना। ठंड लगी एयर होस्टल नूं कहिंदा मैं दो कंबल लैने, एक मैं उत्ते लैना, एक मैं जाण लग्गिया नाल लै जाणा। हैडफोन लाया उहने कहा गाने सुनो, कहिंदा नहीं मैं इत्थे घर गल करनी। जहाज गर्मी लगी ते कमीज ला के कहिंदा मैनूं छाते पाओ। यार इन्ना कुछ ते किया ही नहीं मैं जिन्ना मेरे ते पाता वा, लेकिन इंजॉय किया मैं। सलीम भाई हमारा एक बड़ा खूबसूरत कल्चर है ईद मिलने का, है ना, दोस्तों से अहबाब से, जाहिर है। तो आप पुराने दोस्तों से ईद मिलते हैं या नंबर ब्लॉक करते थे? नहीं नहीं मैंने कभी भी नंबर ब्लॉक नहीं किया, पुराने दोस्तों एक बिला तकल्लुफ दोस्त होते हैं, वो तो ईद वाले दिन पहली गाली यहो जी कटते हैं। अली भाई आप आगा माजिद साहब को ईदी देते हैं या उनसे लेते हैं? आगा साहब बड़े मतलब खूबसूरत इंसान है, मतलब घर च उन्होंने अपना बड़ा वसी दस्तरखान बनाया है कि जिन्नी देर चार बंदे नहीं आते खाना नहीं खाता, क्योंकि हाथ छोटे ने सालन तक पहुँचता ही नहीं। खाने का बहुत शौकीन है वो, नहीं वाकई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कुकिंग करता है, दोस्तों को खिला के खुश होता है। बहुत सी ईदें हमने जो स्ट्रगल दौर था हमारा हमने घर में की नहीं, तो ईद वाले दिन लोग घर में आते थे और हम बैग उठा के कभी फैसलाबाद कभी सादकाबाद कभी चीचा वतनी, हम सारी ईदें हमारी तकरीबन बाहर ही निकली हैं, देश में गुजर गई, ये तकरीबन 8-10 साल ही हुए हैं जी जी, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक सेटल बनाया तो बच्चों में हम होते हैं। सलीम भाई गोगा भाई कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी ईदी इकट्ठी होती है आपके पास? अब तो हरून भाई हमें ईदी देते हैं, हमारे जो एंकर हैं 5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देते, ईदी झूठ नहीं बोलता,
अच्छा ये तो आपकी बात है, बचपन में आपको सबसे ज्यादा हिंदी कितनी मिली? बचपन में यही था, मैं 2 रुपए मिलते थे, फिर जो परौने ने आ जाना उधर दुआले फिर ही जाना है वही ये भी कुछ ना कुछ देगा, बल्कि ओदी बोतल आली वेखी जाना भी हे हुण पूरी पिएगा। गरीबां दे बच्चे इंजे होंदे ने, तुहानूं पता फिर वो कल्चर ही है साडे घरां दा। तो परौना कहिंदा था ओए आया तुम ही पी ओए। गोगा भाई आप बताइए ना, बचपन भाई बई दिंदे सी ईद ते किन्नी को मतलब है नहीं अंदाजा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितनी? नहीं ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਸੋਟੀਐਮ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ 5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ 2000 3000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਆਪਕੋ 2000 ਮਿਲਦੀ ਸੀ? 2000 ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੋਟ? ਚਲੋ ਆਪ ਬਤਾ ਦੇ, ਆਪ ਆਪਕੀ ਅਭੀ ਇਤਨੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਤੇ? ਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 50-100 ਬਸ ਬਸ ਬਸ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ 2000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੋਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਤੇ 350 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੈਨੂੰ 2000 ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ। यानी ईदी तो हमें हुआ करती थी। अच्छा। मीना कुमारी अपना 9 लक्खा हार हमें ईदी में देती थी। और उमराव ने हमारे सियासी अखराजात उठा रखे थे जानी। अच्छा। पार्वती हमें अपना पंजागला ईदी के तौर पे दिया करती थी। क्यों ये तुसी अपाहज सी? सारे ताड़ी मदद कर दे, कंध बन रही थी ताड़ी। अलीम जानी तुम्हें क्या मालूम कि सबसे महंगा तोहफा तो हमें राखी सावंत ने दिया था। रियली वो क्या देती थी? राखी सावंत हमें गेड़ा दिया करती थी। इधर उन्होंने पंगूड़े लाए होंगे सी। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू पसेरा। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू ਇਹੋ ਜੀ ਨਾਗਨ ਨਾ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੜਾ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਆਜ ਆਪਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਚਾਹ ਜਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੂੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪ ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਤੋਹਫਾ ਲਾਈ ਹੈ ਈਦ ਪਰ? ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਲਾਈ। ਕਿਆ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਲੈਣੀ। ਹੁਸਨ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ, ਹੁਸਨ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਕਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਪੱਥਰਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜ 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 ਕੜ, ਨਜ਼ਰ ਪੱਥਰਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸ਼ਬਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸ਼ਬਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਐ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। Welcome back to Public Demand! आप सबको Public Demand की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। ओके जी, ये बताइए आप दोनों के बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी, और ये भी बताइए कि कम से कम कितनी ईदी मिली है और ज्यादा से ज्यादा कितनी ईदी मिली है? दादी अम्मा से 2 रुपए मिलते थे और अब्बू से 5 रुपए। इतनी पुरानी हो तुम। अच्छा, मैं पता क्या सोच रही थी, जब आपने सवाल पूछा तो मैं वाकई सोच रही थी कि मुझे 50 रुपए मिले थे, और मैं तब भी ये बताते हुए सोच रही थी कि फौरन से कोई कहेगा तुम इतनी पुरानी हो। अच्छा नहीं, तो पुराना नहीं था, मैं गरीब थी। आए हैं सत्य। एंड इट इज ट्रुथ।
ओके सात रुपए दी होती थी, सात रुपए और वो मामा ले लेती थी कि मैंने आगे देनी है। तो वो बचपन से ऐसे ही हो रहे हैं यार, मतलब करेंगे आज हम इस पे, हम एहतजाज सारी अम्मियां आज तक मेरी बहनें अपने बच्चों से ले लेती हैं, मैं उनको पकड़ाता हूं वो ले लेती हैं। अरे ऐसे कैसे यार, और मैं तो ईदी चुराती भी थी, पता क्या होता था, क्योंकि बड़ी बहन थी ना तो उसको ज्यादा मिलती थी ईदी, तो वो जरा केयरलेस थी, अपना पर्स कहीं रख के भूल जाना, तो मैं जब गिनती थी तो उसको ज्यादा हुई होती थी, तो कुछ पैसे निकाल के अपने पर्स में डाल लेना, लेकिन इवेंचुअली होता था कि रात को जो हिसाब किताब होता था ना उसमें अम्मी कहती थी बेटा हम लोग ईदी देते हैं तो आप लोगों को ईदी मिलती है, तो सारी ईदी अम्मी के अकाउंट में चली जाती थी। हाँ वैसे यही लॉजिक है अम्मियों की ना, ना? कि हम भी तो देते ना, हम भी तो देते ना, तभी सलामियां पांदे ने उन्होंने ने तो लेनियां नहीं ने, उन्होंने तो बताया सात रुपए, आप बताएं। मुझे 50 रुपए कम से कम मिली है और ज्यादा से ज्यादा 5,000 मिली होगी। यार ये सीधा सीधा झूठ है, नहीं ठीक है, तो मैं ज्यादा माजी ये था उसका 5,000 वाला मुंह बनता है यार ये काम को डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मुंह हो सकता है। ये बताइए कि आपने उस 50 रुपए में क्या क्या खरीदा था? बहुत कुछ आ जाता था, वो एक हम अपने सराइकी में कहते हैं कुल्फी, वो ऑरेंज कलर की लाल रंग की कुल्फी होती थी, आइस लॉलीज खाते थे हम और चूरन लेते थे, और बहुत पहले चूरन होते थे, असि सारे गरीब, असि सारे गरीब, और वो सिर्फ एक बात क्या कि मैं कलरफुल जेलीज होती थी, तो वो खोलते थे ना बंटी वाली आने भी पाई। उसके अलावा वो पापड़ होते थे बल्ले बल्ले छोटे छोटे, हमारे मियां वाली में तो वो गोल से पापड़ मिलते थे, बहुत ही बड़ा वड्डा जहाँ पापड़ होता था, वो भी उसके ऊपर चूरन डाल के खाने का, हो क्या और लंबे लंबे रंग बिरंगे पापड़ भी उंगलियों से पाके। बेचारी बोसन उकाशा और हिना की बातें सुनकर किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह याद आ गए। वो कहते थे कि बच्चा पावे मलका विक्टोरिया दा होवे मंगदा पर फड़ा के उड़ाइए। वाह वाह अमानुल्लाह साहब क्या बात है। आपको बचपन में ईदी कितनी मिलती थी? मुझे तो 5 किलो तूड़ी। बड़े दिगर सब लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करते थे। अच्छा। शफकते पिदरी के बाद उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे हो जाते थे। हाँ जी इनका मनी लैटरिंग का काम था। है ना जी, ईद की शॉपिंग के हवाले से तमाम औरतों में एक बात कॉमन है जी, सारा साल भी शॉपिंग करती रहना मुतमईन नहीं होती, जब तक के वो चांद रात को निकल के रश में ख्वार होके ना आए। आप भी ऐसा करती हैं? सबसे पहले तो अपने जुमले में से औरतों का लफ्ज हजफ करें। लड़कियों हाँ। तो शीजाओं इसको चुन्नी मुन्नी बोल दे कोई मसला नहीं। मुझे हर लड़की का आखिरी मकाम औरत ही है दोस्त। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा चांद रात को शॉपिंग का अपना ही मजा है, वो धक्के जब लग रहे होते हैं लिबर्टी में और जो खज्जल ख्वार हो रहे होते हैं आप, लेकिन आई थिंक चूड़ियां मैच करने का दिन वही होता है चांद रात, जब आपको पता चलता है, क्योंकि सारे जोड़े उस दिन आते finally, हैं जो डिजाइनर्स ने फाइनली हमें भेजने होते हैं बना के, तमाम दर्जी जो है ना ब्रदर्स वो भी हमें भेज रहे होते हैं, तो आई थिंक चूड़ियां लेने और वैसे भी फेस्टिविटी होती है तो मजा आता है। लेकिन मर्द हजरात बहुत ख्वार होते हैं, मतलब मेरे भाई को अगर मैं कभी कहूँ कि मैंने लिबर्टी जाना है चूड़ियां लेनी है या ये वाई ब्लॉक तक मेहंदी लगवाने जाना है, मतलब उसका कुछ है नहीं, वो क्या करे वहां जाके, वो क्या करे बेचारा वहां पे बाहर खड़ा रहे, आप इंतजार करते रहे, आप लोग खवातीन देखते नहीं रहते, एंजॉय कर रही हैं उनको खुश देखकर, आप लोग भी खुश होते हैं गेम खेल रहे होंगे जितनी देर तक तुम्हें मेहंदी लगवा दिया हूं। फिर वो लड़के कौन से होते हैं जो छेड़ रहे छेड़ ये 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 यही लड़के होते ये हैं ये चॉइस ये लड़के कहां से लग रहे हैं आपको चौधरी, ये अपने आप को औरत नहीं कहने दे रही, तेनू लड़का नहीं कहने दे रही, ये रॉन्ग है रॉन्ग, ये घर से लड़के है। उकाशा जी चांद रात के रश में खरीदी गई चीजों में अक्सर कोई ना कोई नक्स निकल ही आता है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जूती दा पैर बड़ा निकले या चूड़ियां छोटियां निकल आई या मेहंदी दा रंग खराब निकला है? कपड़े जो जल्दी में लेके आते हैं दर्जी वो छोटे बड़े कर देता है, वो तो एक मसला रहना है हमेशा, और चूड़ियां जो है वो तो हम पहनवा के आते हैं। चौधरी को ये मसला हुआ है क्या चांद रात को? क्या दर्जी कपड़े लेके भाग गया, ये वो अकेला रो रहा है, बोले तेरा क्या लेके भाग गया, बोले मेरा नाप लेके भाग गया। चौधरी कहिंदे मैं कपड़े लैणे ने, बाद च मैं सवेरे वेख्या ईद वाले दिन इन्हें तंबू च गला पाया। है ना जी, इस ईद पर आप दुबई नहीं जा रही, क्या बनेगा बेचारे दुबई का? नहीं नहीं, ईद के चौथे दिन का प्लान है, आई माइट बी ट्रैवलिंग समवेयर, और अभी डिस्क्लोज करना इज टू अर्ली।
तो आपके इंस्टा से पता चलेगा कहाँ है इंस्टा से, वो भी जब मैं वापस आ जाऊंगी तब लगाऊंगी ना, चॉइस आप जैसे लोगों की नजर भी लग सकती है। यकीन मानो और चॉइस आप आपने 50 अकाउंट बनाए हैं, मैं ब्लॉक कर कर के थक गई हूँ। ये नीलम परी, पापा की परी, पीनो पंबीरी, पीनो पंबीरी भी नहीं का अकाउंट है, शुरली, यू स्टॉकर, तुम क्यों नहीं मुझे भाव क्यों ब्लॉक करती हो? क्योंकि आप बाद में पूरा इंस्टाग्राम ब्लॉक किया हुआ है। बजना है हसीनों, लो ये आ गया, अरे बजना है हसीनों, लो ये आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, इसकी अदा है यारों से जुदा। हे हो, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे हैं आप? आपको मुबारक हो, इधर बैठ जाओ। आपको मुबारक हो, अदालत ने आपको इंसान तस्लीम कर लिया। बेटा बेटा इधर आओ। बेटा किसी ने ईदी दिया आपको? मैं आपके लिए ईदी लेके आई हूँ। कुकड़ा दे उठो, टोकरा किने चकिया बार। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हैं कौन? मैं हूँ सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली, अंबानी फैमिली का आखिरी चश्मो चराग, टाइगर अंबानी। ऐसे बच्चों को ना ईद पे जब माओं के साथ आते हैं तो मैं साइड पे ले जाके चपेड़े कर जहरीले बच्चे होते हैं, जहरीले बच्चे। और बेटे जिद्दा की तरह कर दे तू, क्या अचारी अंबानी। बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, फुको से ईदी लो। लेडीज लेडीज, आप मेरे साथ खामे खां रिश्तेदारियां ना बनाएं। खामे खां, खामे खां ना मिलाएं। अरे खामे खां तो मैंने कभी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं की भाई, और हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है खामे खां में आपके साथ रिश्तेदारियां बढ़ाने का। मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ, मुझे पे डोरे मत डालें आप। शुक्र है पुत्र तू एंगेज ने, उनकी था इनग्रेव्ड हो जा। मौसम वैसे भी मुझे नॉन सीरियस लड़कियां पसंद है। ओके ओके ओके, मौसम को सॉलिड कैरियर होना चाहिए ना। कभी पीएसएल की ट्रांसमिशन और कभी पॉलिटिकल सैटेलाइट की होस्ट। बेटा किसी बहाने तू सानू देखते रहे ना। सॉलिड कैरियर चाहिए बेटा आपको, साइकिल पे बैठा करें। सब बातें ठीक हैं, बस बेटा निकाल दे इसमें। अच्छा मुन्नू इधर आओ। बात पक्की होने से पहले मैं उधर नहीं आऊंगा। ओके मौसम भाई, ये पिस्तौल ला के फिरदा जे। हां कहंदा मलका दियां बदखां मनु गली चों नहीं नंगन देंदे। तो आप अपनी बतखों को लगाम डालें। सिर्फ बतखों को लगाम। गर्ल्स आप मुझे इजी ले रही हैं। अच्छा मैं अंबानी फैमिली का सबसे काबिल बच्चा हूँ और इन्वेस्टर भी। तो काबिल बच्चा यहाँ करने क्या आया है? यकीनन आपको है? नहीं एक्चुअली मैं दिल तो बच्चा है और कुछ कुछ होता है का रीमेक बना रहा हूँ। really? Oh. हीरो चाहिए आपको? हीरो चाहिए? नहीं मैं हूँ ना। हीरो आप हैं क्या? पहले सही नहीं बनी है फिल्में? सही बनी है, मैं ज्यादा अच्छी बनाना चाह रहा हूँ। मुझे दिल तो पागल है के किरदारों में पूजा और निशा और कुछ कुछ होता है के लिए अंजलि और टीना के किरदारों में मुझे हीना और उकाशा चाहिए। इस उम्र के बच्चों को जब कुछ कुछ होता है ना तो माँ बाप से बड़ी मार पड़ती है बेटा। आप खामे खां ऐसे ही आंटी बन रही हैं, अभी तो आप जवान हैं। बेटा हम आप जैसे बच्चों के बहुत एंटी हैं। आप एंटी हैं तो मैं एंटी करप्शन हूँ। एंटी करप्शन वाले ना इस फेक अंबानी के चश्मो चराग को ढूंढ रहे हैं। वो ऊपर से ढूंढ रहे हैं, मैं नीचे नीचे रहता हूँ। बाय द वे वो लोग फिल्मों में काम नहीं करते। कर दिया थे पहले टीवी चे भी नहीं सुन, उन्होंने कर दिया ना। हाँ वैसे ही है तो हाँ, that's the point. Excuse me, girls. Yeah. कल ठीक 4 बजे आपके घर की छतों पर दो हेलीकॉप्टर आएंगे। जिन्ना दिया पूछा था गाड़ी से बने होंगे। ए मिडिल क्लास होस्ट, ब्लैक कोबरे आएंगे, ब्लैक कोबरे। बेटा आप जैसे बच्चे ना ब्लैक कोबरा का एक नवाला होते हैं बस। आपने चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ जाना है और वेन्यू की पिन लोकेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। बेटा तुम्हारे जैसी पिन से ना मैं अपने आईफोन की सिम जैकेट खोल लेती हूँ। मैंने आपको आईफोन की फैक्ट्रियां खोल के देनी है और आप मुझे नॉन इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं लगती। मैं आपको अपने दादा के उस फार्म हाउस पे लेके जाऊंगा जहां हाथी हिरन शेर आपके आजू बाजू घूमेंगे और आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि टाइगर अभी
जिंदा है। अपने आज भी वो 150 वाला जंगल वर्ल्ड एनिमल वाला पैकेट खरीदना नहीं छोड़ा। जितनी दफा आपने मुझे बेटा कह दिया ना, आपका और मेरा रिश्ता मकरू हो गया। ओ भाई अंबानी, अपनी बांदरी फाड़ ते लक्ष्मी चौक तमाशा कर जा। चाय का मेन्यू पता कौन सा है? कौन सा? दूध की कड़ाही के नीचे इसने कुर्सियां लगवाई हुई। हुक्मरानों को हमें ईदी देनी चाहिए, अवाम को ईदी देनी चाहिए। आप मुझसे ईदी मंगवा रहे हैं कि मैं ईदी दूं उनको? गलत बात है। हाँ? सुन रहे हैं आप है? कोई रिलीफ की मद में ही ईदी दे दें। हाँ? कहीं कुछ छोड़ दे, हमें टैक्स माफ कर दे, कुछ तो कुछ तो करो। कुछ तो करो। चले आप कुछ गा कर ईदी दे दें। नई नवेली सीएम मरियम नवाज साहिबा को क्या ईदी देंगी आप? कौन सा गीत अर्पण करेंगे? ओके। चांद सिफारिश जो करता हमारे, बन जाती मैं भी सीएम। ओके। एलवी का बस्ता और जिमी चुके जूते पहन के दिखा दी टेंट रम। भाई बहुत आला, बहुत आला। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। बारह महीने में 12 तरीके से गवर्नमेंट चला के दिखाऊंगा रे। टिक चिका टिक चिका टिक चिका टिक चिका ए ए ए ए ए ए ए टिक चिका टिक चिका टिक चिका टिक चिका ए ए ए ए। वाह, ओके। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को क्या ईदी देना चाहेंगी आप? जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं तेरे हाथ कितने। देख इधर यार ध्यान किधर है। अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है। बहुत बढ़िया। अगला गीत ईदी की सूरत में अली अमीन गंडापुर साहब को अर्पण कीजिए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। बैठ जा भाऊ। फिरदौस आशिक आवान साहिबा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। आजा खपड़वा, आजा ठुड्डा। ओके अगला गीत है ख्वाजा आसिफ। ओके। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो जहां मैं भी हूं। छोड़ ही देखो जरा पीछे रखो हाँ, जहां तुम हो जहां मैं भी तुम हो।
खाकदार साहब को क्या ईदी देंगी आप? हाँ ये बहुत मजे का गाना है, मैं चाहूंगी सब मिलके गाते हैं। आओ फिर। ठीक है चलो। आता तो होगा ए जी ओ जी चले जी। नचा रहे हो हमको, खुद को मुगले आजम, हमको अनारकली समझ रहे हो क्या? हाँ मुझे मजा आ रहा है, नाचो नाचो और नाचो। एक मिनट हाजा मोहसिन, हमारा पेमेंट किधर से मिला तुम? इतना डांस करा तुम? अभी देंगे आपको बैठे वहां। ओके अगला जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ वो एक इतना बड़ा नाम है मौसीकी की दुनिया में और इतना बड़ा घराना है कि पहले तो बिना नाम सुने मेरे कहने पर ताली मारो। उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। No doubt. अब राहत भाई ने चूंकि हम सबको बल्कि पूरी दुनिया को मौसीकी की मद में इतनी ईदियां दे दी हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सर आपके शायने शान क्या पेश करूं, कुछ सोचना पड़ेगा इस पे। हाँ सोचना भी पड़ेगा और उनके लिए गाना है तो बहुत सोचना पड़ेगा। पहले तो माफी, पहले बिल्कुल माफी, पहले माफी गलतियों गुस्ताखियों की। और अब हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कजा करने से डरते हो, मगर अब याद आता की लगी। इस महफिल को बर्खास्त करने के लिए हमने आखिरी नाम जो छुपा रखा था वो है मोहसिन नकवी साहब का। ओह ओके। और वो गाना आपको यहां गाना है। ठीक आइए। ये मुझे हो रहा है किस्मत
शराबी आंखें जो तेरी देखी शराबी के तू हो गया Yeah.